प्रज्ञा तिवारी, भोजपुरी अभिनेत्री, मेरी तरफ से आप सभी भोजपुरी दर्शकगण को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं अपने गुंडे फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन हमारा फाइनल हो गया है और मैं डबिंग के लिए यहाँ पे आई हूँ। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगी कि यह फिल्म बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही प्यारी और सबसे अलग है और अश्लीलता तो बिल्कुल भी नहीं है इस फिल्म में। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सिनेमाघरों में आएँ और हम सभी पे अपना प्यार ऐसे ही लौटाएँ। देखिए, अगर मैं पूरी कहानी आपको बता दूं तो मुझे लगता है कि मज़ा कुछ किरकिरा हो जाएगा, लेकिन मैं इस फिल्म में एक अभिनेत्री का काम कर रही हूं और मेरा जो भी रोल है वो क्लाइमेक्स में है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन रोल है। एक यूं मानिए कि वो कहानी का बेस्ट नहीं, मेरे जो हीरो हैं कुणाल तिवारी, वो हमें बेहद प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और कुछ ऐसे मौके आते हैं, फिर इंसिडेंट्स कह लीजिए, जिनमें हमारा मर्डर हो जाता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, फिर उस मर्डर के मतलब बदला रिवेंज लेने के लिए हीरो पूरी फिल्म में मार धाड़ जैसे कि नाम है गुंडे, तो वो सारी चीज़ें दर्शाई जाती है, लेकिन हम पूरी बात तो बता नहीं सकते। आप सिनेमाघरों में आके देखिए। मेरा मानना है लाइफ में सबको एक बार प्यार तो हो ही जाता है। आई सेड प्लीज डोंट आस्क एनी पर्सनल क्वेश्चंस। प्यार के बारे में हमारा ये मानना है कि प्यार खुदा से, भगवान से सबसे बहुत ऊपर की चीज़ है, जिसके आगे सब लोग जानते हैं कि प्यार के आगे खुदा भी झुक जाता है, उसे भी वो भी मजबूर हो जाता है झुकने के लिए, सामने वाले की बात मानने के लिए। तो प्यार बहुत ही पवित्र है। मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ तो हमारी माँ से मिला है और माँ से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। पापा हमारे सिविल कंस्ट्रक्शन लाइन में कॉन्ट्रैक्टर। मैं देवरिया यूपी की रहने वाली हूँ और जहाँ तक बात रही बॉम्बे की, तो कुछ चीज़ें आई थिंक शो गॉड गिफ्टेड भी होती हैं और मेरा हॉबी था शुरू से डांसिंग्स एक्टिंग्स, तो मैं इस लाइन में धीरे धीरे कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ अपने पढ़ाई वढ़ाई उसके बाद से धीरे धीरे करके आ गई और मैं एक्चुअल डबिंग के लिए ही आई हूँ। और ये फिल्म आई एम टोटली क्लियर कि लास्ट टू लास्ट मैक्सिमम मई फर्स्ट वीक में आपको सिनेमाघरों में मिलेगी। मेरे को स्टार के साथ काम करने का बेहद अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कुणाल तिवारी हैं इस फिल्म में, वो एक और हीरोइन जो कि बहुत ही बड़े स्टार हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं अंजना सिंह के साथ भी इश्क फरमा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो जो ट्रू लव होता है हमसे करते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें बॉलीवुड में, किससे आप इंस्पिरेशन लेते हैं? मुझे बॉलीवुड में माधुरी दीक्षित जी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बचपन से वो हमारी आइडल। क्या पसंद है, डांस है तो आप कितने? उनकी हर एक चीज़ हमें पसंद है, उनकी डांसिंग, सबसे ज़्यादा उनकी डांसिंग और एक्सप्रेशंस। भविष्य में किस तरह का रोल करना चाहिए आप? भविष्य में हमेशा महिला प्रधान फिल्में बनाना चाहूँगी, समाज को मैं हमेशा से बताना चाहूँगी कि एक औरत कभी भी कमज़ोर भी नहीं हो सकती और उसे किसी चीज़ के लिए मजबूर भी नहीं किया जा सकता। और उमा भारती जी, फिल्में बहुत ही बड़े बड़े स्टार कास्ट हैं, जैसे हमारी सबसे फेवरेट रानी चटर्जी जी, विराज भट्ट जी, अंजना सिंह जी और हमारे को स्टार्स कुणाल तिवारी, संजय पांडे और काफ़ी मार्केट के लोग हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर बाली जी हैं, जिनसे आप लोग पहले से ही रूबरू हैं, उनके बारे में कहने की बात ही क्या है, वो मार्केट के ऑलरेडी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। और जहाँ तक बात की जाए प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर्स की, तो इसके प्रोड्यूसर्स रजाक खान जी और सचिन झा हैं, जिनसे हमें बेहद प्यार और सम्मान मिला और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा।